वेलकम टू आयशा कुकिंग वर्ल्ड। आयशा कुकिंग वर्ल्ड में आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ब्रेड पिज़्ज़ा रेसिपी। ब्रेड पिज़्ज़ा को मैंने तवे पर बनाया है, आप अवन में भी बना सकते हैं, बनाना भी आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है ये बारीक कटी शिमला मिर्च, बारीक कटे टमाटर और ये बारीक कटी प्याज, आधा टेबल स्पून नमक, एक टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और एक टेबल स्पून टोस्ट मसाला, चाट मसाला भी ले सकते हैं इसकी जगह पर, आधा टेबल स्पून ग्रीन चिली सॉस। इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। छह मैंने ये ब्रेड स्लाइस लिए हैं वाइट वाले, आप अगर ब्राउन ब्रेड स्लाइस लेना चाहते हैं तो वो ले लें। ये जो मैंने वेजीज मिक्सचर तैयार करा है इसको ब्रेड स्लाइस पर स्प्रेड कर लेंगे और मैं लगा रही हूँ इस पर ये चीज़ वाइट सॉस, आप इसकी जगह पर मेयोनीज भी लगा सकते हैं। पनीर को और चीज़ को हम किसी ग्रेटर से ग्रेट करके भी लगा सकते हैं इस तरीके से, और स्लाइस में भी लगा सकते हैं। और ये मेल्ट हुआ मोज़रेला चीज़ है, इसके क्यूब लगा रही हूँ मैं। ये यहाँ पर मैंने ये एक तवा लिया है और बटर मेल्ट कर लेंगे। ये पिज़्ज़ा ब्रेड स्लाइस हैं जो तवे पर सेट कर देंगे और कवर करके पकाएंगे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। 5 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं। और ये क्रिस्पी बेस्ड ब्रेड पिज़्ज़ा हमारा बिल्कुल तैयार है प्लेटिंग के लिए। यहाँ पर हम स्प्रिंकल करेंगे ये चिली फ्लेक्स, थोड़े ये ऑरिगेनो भी स्प्रिंकल कर देंगे और हम टमाटो सॉस वगैरह के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलती हूँ एक और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।